तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं माइक समरफील्ड और क्रिस बम्सटेड को। तो जो माइक समरफील्ड हैं वो अभी बिल्कुल स्टैंड नहीं करते हैं क्रिस बम्सटेड के आगे, बट स्टिल हम लोग फ्यूचर का पोटेंशियल देखते हैं कि क्या इनमें पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर वो बीट कर पाएं क्रिस बम्सटेड को। तो हर एक पोज का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि क्या फ्यूचर में ये प्रोग्रेस करके क्रिस बम्सटेड को हरा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो और जो कंपैरिजन होने वाला है वो इन्हीं जो मैंने सोलो पोजिंग की पिक्चर सी स्क्रीनशॉट लेकर उनका ही मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। तो चलो करते हैं शुरू। तो कंडीशनिंग की तरफ ना जाते हुए अगर आप सिमेट्री देखते हो तो बिल्कुल क्लासिक फिजिक की तरह है माइकल समरफील्ड की, और आप क्वार्ट्स देख सकते हो, सेपरेशन बहुत अच्छी है। बट जो साथ में क्रिस बम्सटेड खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, कंडीशन नेक्स्ट लेवल है। बट जब माइक समरफील्ड की बात करते हैं हम, तो सिमेट्री आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी, बहुत एक क्लासिक फिजिक की सिमेट्री नज़र आती है। और अगर इन फ्यूचर बहुत अच्छी कंडीशनिंग लेके आते हैं और साइज पे काम करते हैं तो डेफिनेटली ये आराम से बीट कर देंगे, आराम से तो नहीं बट बीट ज़रूर कर सकते हैं क्रिस बम्सटेड को। और इन फ्यूचर 2-3 सालों में ऐसा हो सकता है अगर ये अच्छी कंडीशनिंग और साइज के साथ आते हैं, बिकॉज जो सिमेट्री है इनकी बिल्कुल परफेक्ट है क्लासिक फिजिक वाली। जब वाले आप बैक डबल बाइसेप्स का पोज देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट लग रहे हैं माइक समरफील्ड, और आप लेग्स देख सकते हो, ग्लूट्स बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड, ज़्यादा अच्छे फाइबर नज़र नहीं आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग स्टिल बैठ रहे हैं और काफ्स में भी बहुत काम करने वाला है, और ये पोज बहुत इजीली बीट कर रहे हैं क्रिस बम्सटेड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ। और जब आप ये पोज देखते हैं साइड चेस्ट, तो जब आप हैमस्ट्रिंग्स देखते हैं माइक समरफील्ड की, क्वाड्स देखते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता है, बट ग्लूट्स कहीं ना कहीं वीक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा साइज नहीं है ग्लूट्स का, और साइड पोज में बिल्कुल दिख रहा है। और दूसरी तरफ क्रिस बम्सटेड की एक परफेक्ट फिजीक निकल के आ रही है, अच्छे से फाइबर दिख रहे हैं, और वहीं माइक समरफील्ड थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं अपर बॉडी से भी। सिमिट्री नो डाउट अच्छी है इनकी भी, और सिमिट्री के साथ अब इनको कंडीशनिंग और साइज पे काम करना है, तो काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी हमें इन फ्यूचर। तो कंपैरिजन तो नहीं बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है माइक समरफील्ड का। और इन फ्यूचर जैसे कि हम लोग इनकी सिमेट्री देखते हैं, जो फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं, क्वाड्स की सेपरेशन देखते हैं, बहुत शानदार एथलीट लगते हैं माइक समरफील्ड, बट अभी भी बहुत दूर है उनसे क्रिस बम्सटेड से, और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने साइज़ के ऊपर और कंडीशनिंग के ऊपर, काफ़ी कमियां हैं अभी। और कहीं ना कहीं मैंने एक बात और नोट किया कि यार इस बार टैनिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी, बिल्कुल वाइट लग रहे थे, सेपरेशन उसके ऊपर भी दिख रही थी, बट अगर थोड़ी सी डार्क टैनिंग होती तो थोड़ा सा अच्छा कंपैरिजन हो जाता, बट काफ़ी ठीक लग रहे थे इसमें भी। और दूसरी साइड आप क्रिस बम्सटेड को देखोगे तो वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे थे और अनबीटेबल थे, कोई भी टॉप 5 में उनके आसपास नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर विनर लग रहे थे। और तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और बहुत जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको किसी और एथलीट का कंपैरिजन देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन है आपको फिटनेस रिलेटेड या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, यू कैन आस्क, आई रिप्लाई। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।